तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूएस नेवी ने क्लेम किया है कि चीन ने उसके एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड प्लेन पर लेजर से हमला किया है। जी हाँ, ये यूएस की नेवी का क्लेम है, किसी ऐसे वैसे न्यूज सोर्सेस ने से नहीं छापा है, यूएस की नेवी ने खुद बयान जारी किया है। और कौन से प्लेन पर हमला किया है ये बताऊंगा इस वीडियो में, और वो प्लेन भारत के पास भी है। भारत ने वही प्लेन बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त जो पाकिस्तानी जो इतने भी एयरक्राफ्ट थे उन्हें डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। कितना महत्वपूर्ण है, और चीन इतना डरता क्यों है इस प्लेन से, ये भी एक आपको जानने वाली बात है कि महंगा तो है ये। भारत ने और भी खरीदे हैं, और भी 8 ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए टेंडर दिया है यूएस को। भारत भी इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में खरीद रहा है, खासकर जो चीनी सबमरीन्स हैं उन्हें डुबाने के लिए, उन्हें भारतीय समुद्रों में घुसने ना देने के लिए। तो क्यों इतना भारत के लिए महत्वपूर्ण है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, और इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है, यूएस इसका जवाब कैसे देगा। चलो दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी न्यूज़ कवर करता हूँ जो मेनली मेनस्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं हो पाती। यहाँ पर मैं उन बड़ी न्यूज़ को डिस्कस करता हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं P-8I पोसाइडन बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट है, और भारत भी इसे बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करता है, और भारत ने और भी 8 इसके ऑर्डर दे दिए हैं अभी अमेरिका को। और आपको कितना इंपॉर्टेंट है कि भारत ने बालाकोट स्ट्राइक के दौरान इसे ही इस्तेमाल किया गया था कि अगर पाकिस्तान स्ट्राइक बैक करता है भारतीय एयरक्राफ्ट पर तो उन पर नजर रखी जा सके इससे। और कितना एडवांस है, इतना ज़्यादा एडवांस है कि ये मतलब कि हवा में तो निगरानी रख ही सकता है, अवॉक्स है कि हवा में कौन एयरक्राफ्ट है, पानी के अंदर तक ही निगाह रख सकता है कि कितनी सबमरीन से, अगर इसे पता लगता है कि पानी के अंदर कोई सबमरीन है तो उसे तत्काल टॉरपीडो आसमान से ही पानी में गिराकर उसे खत्म भी कर सकता है। जी हाँ, इतना एडवांस है ये, और चीन को इसका डरने का कारण भी यही है, क्योंकि इसे एक मतलब कि स्पेशलिस्ट माना जाता है सबमरीन हंटर के मामले में। जी हाँ, आपको जैसे कि पता होगा कि चीन के पास करीबन 68 से 70 सबमरीन का बेड़ा है, और चीन को डर यही है कि अगर मान लिया वो कोई अपनी जो पेट्रोलिंग के दौरान जैसे कि भेजता रहता है अपनी सबमरीन्स को तो ये एयरक्राफ्ट उसे निशाना बना सकता है। तो खबर ये है कि यूएस की नेवी ने कहा है कि उसका एक एयरक्राफ्ट ये P-8I पोसाइडन पेट्रोलिंग पर था। जी हाँ, और पेट्रोलिंग कर रहा था तभी उस पर इस तरीके का हमला हुआ है जिस लेजर की तरह से। हालांकि उन्होंने कहा कि ये लेजर जो जिस टाइप की लेजर से हमला किया गया उसे विजिबली नहीं देखा जा सकता, लेकिन हमारे इस एयरक्राफ्ट ने उसे उसकी जो एनर्जी को डिटेक्ट कर लिया था और उससे इसका पता चला है कि एक लेजर हमला था। हालांकि अमेरिका की जो नौसेना है उसने कोई भी अब तक रिवील नहीं किया कि इससे कितना खतरा, कितना नुकसान हुआ है, क्या हमारा जो ये P-8I पोसाइडन था गिरा है, ऐसी चीज़ें नहीं कही है। लेकिन कहा गया है कि उसने इसे डिटेक्ट कर लिया और उसकी वजह से हमें डाटा से पता चला है कि चीनी लेजर का काम था और इस पर डायरेक्ट हमला किया गया। और साथ ही कहा गया कि ये दुनिया भर की जितनी भी संधि होती हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबका ये उल्लंघन है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अब उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका इसका जवाब माकूल तरीके से देगा। कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी है डिटरेंस की, और डिटरेंस की पॉलिसी पर अमेरिका 100% कायम रहता है, मतलब कि डरा कर रखना। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी अमेरिका ने जवाब ना दिया तो फ्यूचर में तो मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन अमेरिका के इन जहाज़ों पर हमला हुआ, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो चीन को उसने अब तक इन्हीं अपने एयरक्राफ्ट की वजह से रोक के रखा है, और आज जवाब नहीं दिया तो फिर कल फिर ऐसे तरह का हमला होगा। तो ये बहुत से लोग मान के चल रहे हैं कि अमेरिका इसका जवाब देगा। दूसरी बात, भारत इसे बड़े स्केल पर यूज़ करता है, और भारत का खरीदने का कारण भी यही है। चीन इससे डरता इसलिए ही है क्योंकि अमेरिका खुद तो इस्तेमाल कर ही रहा है, चीन के दुश्मनों को यानी कि भारत को भी इसे दे रहा है। और जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, इसमें सेंसर्स, जितने भी दुनिया भर के एडवांस रडार, इसमें सब कुछ इसमें इंजेक्टेड है, और दुनिया की बेस्ट एंड बेस्ट इसमें टॉरपीडो तक लगाई गई है ताकि चीनी सबमरीनों को पानी के अंदर ही दफना दिया जाए, और इसके लिए ही इसे स्पेशलाइज्ड कहा जाता है। दोस्तों इसकी एडवांस और इसकी कैपेबिलिटी का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि करीबन 3 राफेल की कीमत के बराबर का ये एक अकेला होता है। जी हाँ, और उसके बावजूद भी भारत इसे इतना महंगा होने के बावजूद खरीद रहा है। कारण यही है कि एक तो चीन इससे डरता है, चीन के पास इसकी टक्कर का कोई भी, चीन क्या फिलहाल किसी भी देश के पास P-8I पोसाइडन जैसा कोई हथियार नहीं है, बिल्कुल अलग ही तरह का वेपन है। और सबसे पहली बात, इसकी टेक्निकली महारत के लिए इसे जाना जाता है, ना कि इसकी जैसे कि मारक क्षमता के लिए, इसकी इसमें मिसाइल्स वगैरह लगे हैं। जी नहीं, इसमें सिर्फ सिंपल सी टॉरपीडो लगी है, ज़्यादातर इसके सेंसर्स की वजह से ही इसे जाना जाता है। ये दूसरे जो फाइटर जेट होते हैं, जैसे कि हवा में कोई फाइटर जेट है उसे डायरेक्शन भी देता रहता है कि जी उस दिशा से, फलानी दिशा से एक इस तरह का फाइटर जेट आ रहा है, आप उसे देखिए, उस दिशा से एक, यानी कि हवा में ही एक कमांड सेंटर के तौर पर भी ये काम कर सकता है। तो इसकी इन खूबियों की वजह से इसे जाना जाता है, और चीन ने इसे निशाना ही इसलिए बनाया क्योंकि ये चीन के सबमरीनों को डरा के रखता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता भी है।
जी हाँ, क्योंकि अगर ये मान लीजिए अमेरिकी सीमा में दाखिल होते हैं समुद्री सीमा में, पहली बात तो चीन में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर होती है तो उसे वहीं पर हमें पटका कर उसे हवा में उसे पानी के अंदर दफन कर देगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि चीन के पहली करतूत ने कहा जाता है कि एक बार इन्होंने भारतीय सुखोई को भी निशाना बनाया था और उसे गिरा दिया था। हालांकि उस पर भारत ने कोई ऐसा मतलब कि ऑफिशियल ट्वीट तो नहीं किया था, ऑफिशियल चीज़ें तो नहीं कही थी, लेकिन जो अंदर खाने खबर निकल कर आई थी कि इसी तरह की चीनी लेजर से उसका उस पर हमला किया गया था। लेकिन यहाँ पर मसला दूसरा है, दूसरा ये है क्योंकि यूएस के पास भी एक लेज़र ऐसी एक हथियार है जिसका नाम है शील्ड, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जाएगा शील्ड का, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो अमेरिका उससे हमला कर सकता है, भारत उसका रिटेलिएट कैसे करता है, भारत के पास तो फिलहाल ऐसी इस तरह की कोई लेजर वेपन नहीं है, कॉम्पैक्ट लेजर वेपन, लेकिन यूएस ने उसका टेस्ट भी किया, सक्सेसफुल भी रहा है और काफ़ी कारगर भी है। तो कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका बदला लेगा तो उसी तरीके की चीज़ों से हमला करके बदला लेगा और मुंह तोड़ जवाब शायद अमेरिका दे। जल्द ही आपको इस पर कोई अपडेट जरूर मिलेगा, ये बात मैं आपको फॉर श्योर कर देता हूँ कि अमेरिका 10-15 दिन के अंदर ही बदला जरूर लेगा चीन से। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ, क्योंकि इस पर और साथ ही तुर्की वाले मैटर पर भी बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। और कमेंट करके बताना क्या भारत को भी इस तरीके का कोई कॉम्पैक्ट लेजर वेपन बनाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के बाद सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय चैनल, कीप सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।